हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल छायाडी में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी स्टाइल राजमा, जो कि बिल्कुल ढाबे स्टाइल में होगा, आप जरूर पसंद करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम राजमा को ओवरनाइट सोक्ड कर देंगे पानी में। यदि रात में आप भूल भी जाते हैं तो भी आप 5 to 6 आवर्स के लिए इनको सोक कर सकते हैं, और सोक करने के बाद उसका वो पानी निकाल कर आप इनको उबलने के लिए रख देंगे कुकर में। और कुकर में 2 से 3 सीटी में ही ये अच्छी तरह से उबल जाते हैं, बॉइल्ड हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए टाइम सबका ही सेव करते हुए मैंने ये सब जो प्रोसेस था उसको मैंने जल्दी से बताया, सो दैट आप अच्छे से समझ कर उसको कर लें। और यहाँ पर देखिए मैंने इन राजमा को बॉइल करके रखा हुआ है, और अब मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ, सो दैट आपका टाइम भी सेव हो और तुरंत आप बनाने के लिए स्टार्ट भी रह सकें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गैस में कढ़ाई चढ़ाएंगे गर्म करने के लिए, और कढ़ाई के गर्म हो जाने पर मैं इसमें 1 टीस्पून कड़वा तेल मतलब मस्टर्ड ऑयल डालूंगी, और तेल के भी गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें 1 बेली मतलब तेज पत्ता डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा डालूंगी। नाउ इसमें मैं 2 चुटकी हींग डालूंगी, मिक्स करूंगी। अब इसमें मैं फर्स्ट ग्रेवी ऐड करूंगी, मिक्स करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस ग्रेवी में 2 बड़े साइज के प्याज, 4 लहसुन और 1 इंच अदरक ली हुई है, और इसको मिक्स में पीस कर पेस्ट बनाया है। फ्रेंड्स, शुरुआत से ही मैंने गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर रखा था, बट नाउ अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी। और फ्रेंड्स, अब हम ये सेकंड ग्रेवी डालेंगे। ये टमाटर की प्यूरी है, इसमें मैंने 3 बड़े टमाटर को मिक्स में पीस कर पेस्ट बनाया है। अच्छी तरह से सभी मिक्सचर को मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम ही रहेगी, ना ही तेज ना ही बिल्कुल धीमी, मीडियम में ही रहेगी मतलब। और फ्रेंड्स, देखिए मसाला पक गया है। मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालूंगी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच मतलब 1.5 चम्मच मैं इसमें राजमा मसाला डालूंगी, 1 चम्मच किचन घी या सब्जी मसाला भी इसके रिप्लेस में आप डाल सकते हैं। सब मसालों को अच्छे से प्रॉपरली मिक्स करूंगी। अब मसाले को मैं 5-7 मिनट के लिए सिर्फ धीमी आँच में ही बिल्कुल धीमी आँच पर पकने दूंगी। सो नाउ फ्रेंड्स, देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भुंज गया है। अब मैं इसमें उबले हुए राजमा को मिला दूंगी अच्छी तरह से। नाउ फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पर सब कुछ आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी करके सेट कर सकते हैं। अब मैं इस मिक्सचर को 10 मिनट्स के लिए धीमी आँच पर ढक कर पकने दूंगी, और यदि आपको ये थोड़ा सा और रसीला चाहिए तो आप इसमें 1 कप पानी और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को गाढ़ा पसंद होता है और कुछ लोगों को थोड़ा सा रसेदार। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे राजमा का ये टेक्सचर हो गया है। अब मैं इसमें फ्रेश कटे हुए पनीर ऐड करूँगी, कॉटेज चीज़, ये मेरे पास 1/2 कप रखे हैं, मैं इनमें डालूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं सबको आपस में अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और ढककर अनदर 5 मिनट्स के लिए करूंगी, सो दैट ये जो पनीर है इनमें भी राजमा का रसा अच्छी तरह से आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी और ऐड किया है और पिलाया, क्योंकि मुझे काफ़ी गाढ़ा लगने लगा था और अब मुझे इसको पकने भी देना है। सो आप भी इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर सकते हैं यदि आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो। अब इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। नाउ फ्रेंड्स, देखिए ऐसा टेक्सचर हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, 1 चुटकी रेड चिली फ्लेक्स और 1/2 चम्मच से भी थोड़ा सा कम गरम मसाला। सबको आपस में प्रॉपर मैं मिक्स करूँगी। नाउ फ्रेंड्स, मैं उसमें 2 हरी मिर्च भी कट करके ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, ये जो मैंने लास्ट में स्टेप्स लिए हैं, जैसे गरम मसाला हो गया, लाल मिर्ची फ्लेक्स और ये हरी मिर्ची, ये आप बच्चों के लिए भी बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं, या थोड़ा सा कम अमाउंट में भी डाल सकते हैं। इसलिए मैंने ये लास्ट में मिलाया कि सो दैट आप बच्चों के लिए निकाल रहे हो तो आप निकाल सकें आराम से, एंड एट लास्ट आप ये मिर्ची वाला ऐड कर दें। टेस्ट में और टेक्सचर में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुली रेडी हुआ है। इसको हम 2 मिनट्स और कुक करेंगे एंड देन इट इज़ रेडी टू सर्व। नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि ब्यूटीफुली कितना अच्छी तरह से रेडी हुआ है। ओ माई गॉड्स, लुक फ्रेंड्स, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और डिलिशियस है।
मैंने ये बहुत ही अच्छे तरह से वीडियो शूट किया सो दैट आप समझ सकें, और मैंने इस तरह से बहुत सी रेसिपीज अपने इस चैनल छायाडी में अपलोड की हुई हैं। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।